श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और चटपटी तो इतनी कि आपको सुन के ही मुंह में पानी आ जाएगा, वो है चटनी वाले आलू। लेकिन आलू को मैं थोड़े से स्ट्रेट स्टाइल में बनाऊंगी, जिससे खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाती है। रेसिपी और तरीका अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। तो बहुत झटपट से अपने ये बहुत ही टेस्टी चटनी वाले आलू बनाना शुरू करते हैं। एकदम स्ट्रेट स्टाइल आलू बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये आधी किलो आलू, जिसे मैंने छील कर पानी में डाल दिया है। इन आलू की स्पेशली चटनी होती है और सबसे पहले हम वो चटनी बना लेंगे। और चटनी बनाने के लिए मैंने ली है ये 8-10 कलियां लहसुन की, 10-12 हरी मिर्चें, काफी तीखी होती है। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो मिर्चों की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा लिया है हरा धनिया। और ये सब चीजें मैंने मिक्सी के जार में डाली है क्योंकि हम चटनी बनाने वाले हैं। और अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबल स्पून जितना अमचूर पाउडर। ये चटनी काफी तीखी होती है और काफी खट्टी भी होती है। 1/2 टीस्पून जीरा, साथ ही डाल देते हैं 8-10 काली मिर्चें, 6-7 डाल देते हैं लौंग और थोड़ा सा पानी डालकर हम चटनी को एकदम बारीक पीस लेंगे। और उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। और ये चटनी हमारी पीसकर तैयार हो गई है। और ये मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, जिसे बहुत ही बारीक काट लिया है। और हमने ये जो चटनी बनाई थी ये चटनी इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। ये चटनी काफी पतली बनाई जाती है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। और ये डाल दिया हमने इसमें पानी, साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक। मिक्स करके चटनी को एक साइड से रख देते हैं और अब बाकी का काम करते हैं। हम जो आज आलू बना रहे हैं वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं। और उसके लिए मैंने लिया है ये 2-3 टेबल स्पून गेहूं का आटा, ये नॉर्मल आटा है। और 1 टेबल स्पून जितनी डाल देंगे मैदा, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिए हल्दी। इसमें हल्दी थोड़ी ज्यादा लगती है, आप लोगों ने देखा होगा वो जो बैटर यूज करते हैं काफी पीला होता है। साथ ही डालते हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। हम इसमें बेकिंग पाउडर, सोडा, ऐसी किसी चीज का यूज नहीं करेंगे। और पानी डालते हुए हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इन आलूओं को बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम यूज करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना चावल का आटा। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, बिना चावल के आटे के भी ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। और इसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। करीबन 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बैटर अच्छे से फूल गया है और वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं और बैटर हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद जो हमने आलू छीलकर और पानी में डालकर रखे थे उन्हें हम इस तरीके से एकदम मोटा मोटा काट लेंगे। देखिए काफी मोटा, हमें इन्हें पकौड़ियों की तरह पतला पतला नहीं काटना है। इस समय आपको आलू ये जो है चिपके चिपके लगे, लेकिन जैसे ही ये अच्छे से सिकेंगे ये सब आपस में अलग हो जाएंगे। इन आलूओं को हमने काफी मोटा काटा है और इन्हें काफी क्रिस्पी भी करना है, इसलिए इन्हें सेकने में हमें
5 से 6 मिनट का समय लग जाएगा। आप आलू को सेकने में जल्दबाजी ना करें। करीब 6 मिनट हो चुके हैं और आलू बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो चुका है और अच्छा कलर भी आ गया है। आलुओं को हम निकाल लेते हैं, थोड़ी देर जाली पर रखेंगे और आलुओं को निकाल लेंगे। इन आलू के साथ में सर्व की जाती हैं ये लाल मिर्चें, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और ये मिर्ची भी फ्राई हो चुकी हैं। हमारे ये आलू सिककर तैयार हो गए हैं और ये काफी क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और इन्हें सर्व करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है, उसके लिए आलुओं को एक अलग प्लेट में रख लेंगे। हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे आलू थोड़े से दब जाएंगे। उसके बाद हमने जो प्याज वाली चटनी बनाकर रखी थी वो आलू के ऊपर डाल देंगे। ये प्याज वाली चटनी को आप समोसे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और उसके साथ भी ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। एकदम स्ट्रीट स्टाइल हमारी ये चटनी वाले आलू बनकर तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, सर्दियों में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत ही चटपट और बहुत ही टेस्टी हमारी ये चटनी वाले आलू बनकर तैयार हो गए हैं। टेस्ट अमेजिंग है, इसलिए आप एक बार इन्हें जरूर ट्राई करें। रेसिपी और तरीका अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। थैंक यू।